पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर जांजगीर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने जांजगीर शहर में केंद्र सरकार के खिलाफ साइकिल व पैदल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की रैली जांजगीर के नेला रेलवे स्टेशन चौक से शुरू हुई जो कचहरी चौक पर समाप्त हुई। रैली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पेट्रोल डीजल के दाम भी जल्द से जल्द कम करने की मांग की है। केंद्र की सरकार ने डीजल पेट्रोल पंप के जो कीमतों में 80 रुपया कर दिए हैं, ये सरकार महंगाई वाली सरकार है। मोदी जी के घोर विरोध के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं और जिला कांग्रेस कमेटी जांजगीर चांपा के नेतृत्व में आज हम लोग महंगाई के जो मोदी सरकार के द्वारा केंद्र के सरकार के द्वारा भारी डीजल और पेट्रोल में बढ़ोतरी हुई है उसके विरोध में हम लोगों ने नैला से चल के एक कचहरी चौक तक आज पद यात्रा करते हुए और किसी ने साइकिल के माध्यम से विधायक से लेकर सारे पदाधिकारी जितने हमारे लोग हैं सब उपस्थित होकर प्रदर्शन स्वरूप आज इकट्ठा होकर प्रदर्शन किए हैं। निश्चित तौर पर मोदी सरकार का ये रवैया और तानाशाही रवैया जिस प्रकार से केंद्र में है हम इसका तीव्र विरोध करते हैं। हम लोगों ने आह्वान किया है मोदी सरकार का विरोध करना है। केंद्र के जो गलत नीति डीजल पेट्रोल में वृद्धि लगातार होते जा रही है इसके स्वरूप स्फूर्त लोग हर ब्लॉक से आए हैं, नगर पंचायतों से आए हैं और जिला मुख्यालय में सब इकट्ठा होकर विरोध कर रहे हैं। खबर मध्य प्रदेश के लिए जांजगीर चांपा से कृष्णा टंडन की रिपोर्ट।